सबसे अपन गुजारिश करता हूँ कि आम खास पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए और सरकार को ये बताए कि हम आरक्षण बचाने की जो हमने यात्रा निकाली है उसका यहाँ समारोह अनेक हजारों लाखों लोगों की संख्या में यहाँ होना चाहिए। ऐसे में तमाम शहरा ने औरंगाबाद पूरे जिले मराठवाड़ा से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहां जहां हमारे ओबीसी लोग हैं, ओबीसी नेता है, उन सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आमखास ग्राउंड पर आए। इसमें शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं है। शक्ति एक प्रदर्शन अगर करना होता था तो हम इतने जिलों में यात्रा करते हुए हम ओबीसी समाज को इंसाफ मिलना, हमारे नेता हर समाज के साथ है, हर समाज को इंसाफ मिलना, इंसाफ की भूमिका वो लेके चलते हैं, इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक समाज को न्याय मिलना उसके लिए ये लोगों से अदबन गुजारिश है और लोगों ने आना चाहिए। हमारा नेता का हमेशा ये सोचना, शक्ति प्रदर्शन का जो आप बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पंचवीस जुलैला आरक्षण यात्रा सुरू झाली आणि या यात्रेचा समारोप उद्या 7 ऑगस्ट रोजी आमखास मैदान औरंगाबाद येथे होत आहे। ओबीसींचं आरक्षण टिकावं, एससी एसटीचं आरक्षण टिकावं म्हणून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात ही यात्रा निघालेली आहे। आतापर्यंत जेही काही बोगस कामं झालेली आहेत, 55 लाख जी प्रमाणपत्र आहेत ओबीसींची ही बोगस दिल्या गेलीत आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, हा पण हा यात्रेचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे। 55 लाख ओबीसींची जी बोगस प्रमाणपत्र दिल्या गेलीत ते रद्द करणं हा पण एक या यात्रेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे। शिवाय या ओबीसींना न्याय मिळावा, राजकीय अस्तित्व त्यांचं असलं पाहिजे आणि कमीत कमी 100 आमदार हे ओबीसी समाजाचे सभागृहात असले पाहिजे, हे मोठं उद्दिष्ट ठेवून ही यात्रा निघाली आहे। माझी सर्व ओबीसी बांधवांना विनंती आहे की उद्या श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात या यात्रेचा समारोप आहे, तर आपण सगळे आपल्या समाज बांधवांसह या यात्रेत सामील होऊन या यात्रेच्या समारोप प्रसंगी आपण आमखास मैदान इथे उपस्थित राहावं, अपनी उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। 25 तारीख से आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर, रेखाताई ठाकुर और आज उपस्थित हमारे अरुंधति ताई सिरसाट, हमारे माजी नगर सेवक अशोक किशनराव भेड़े 25 तारीख से अनेक जिलों की यात्रा करते हुए एससी एसटी ओबीसी आरक्षण बचाओ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सरकार है ये गुमराह कर रही है ओबीसी लोगों को। इन्होंने 95,000 बोगस प्रमाण पत्र बनाकर दिया, उसको रद्द करना हमारे नेता की ऐसी मांग है और हमारे नेता सब समाज को इंसाफ मिलना इस भावना से ओबीसी आरक्षण बचाओ यात्रा 25 तारीख से वो पूरे अनेक जिलों में यात्रा करके 7 तारीख को कल औरंगाबाद शहर आमखास ग्राउंड में उसका समारोह हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय बाला साहब, रेखाताई ठाकुर, हमारे अनुदतिताई सिरसाट और अनेक ओबीसी नेता और तमाम ओबीसी नेताओं से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि यहां पर आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है ताकि एक मैसेज जाए। अनेक जिलों की यात्रा करने के बाद में समारोह पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, एससी लोग आए, एसटी लोग आए, ओबीसी लोग आए और सारे औरंगाबाद के नौजवान साथियों से जितने बच्चे बहुजन अघाड़ी के हमारे नेता को मानने वाले लोग हैं, सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आम खास पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए और सरकार को ये बताए कि हम आरक्षण बचाने की जो हमने यात्रा निकाली है उसका यहाँ समारोह अनेक हजारों लाखों लोगों की संख्या में यहाँ होना चाहिए। ऐसे में तमाम शहरा ने औरंगाबाद पूरे जिले मराठवाड़ा से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहां जहां हमारे ओबीसी लोग हैं, ओबीसी नेता है, उन सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आमखास ग्राउंड पर आए। ऐसा मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। कल 2:30 से 3 बजे, 12 बजे, कल 12 बजे यहाँ पर सभा शुरू होगी और खत्म होने का टाइम तो अभी जितने लोग आते हैं, जितने लोग हमारे बात करेंगे उसमें हमारे नेतागण है वो सब है, 12 बजे यहाँ पर बाला साहब आएंगे और 12 बजे यहाँ पर सभा की शुरुआत होगी। और तमाम लोगों से फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से कि तमाम लोग यहाँ पर आए और बाला साहब को सुने। बाला साहब एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र में और देश में कि सब समाज को न्याय मिलना और न्याय के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ओबीसी समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे बाला साहब का ऐसा बोलना है कि कम से कम ओबीसी समाज के
विधानसभा में 100 लोग कम से कम आए, एससी समाज क्या है, एसटी समाज क्या है, ताकि वहां पर जाके अपनी बात वहां मनवा सके, सरकार को बताए कि जो बोगस काम हो रहा इसको रद्द करना चाहिए और ओबीसी समाज को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नहीं, इसमें शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं है। शक्ति एक प्रदर्शन अगर करना होता था तो हम इतने जिलों में यात्रा करते हुए, हम ओबीसी समाज को इंसाफ मिलना, हमारे नेता हर समाज के साथ है, हर समाज को इंसाफ मिलना, इंसाफ की भूमिका वो लेके चलते हैं, इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक समाज को न्याय मिलना, उसके लिए ये लोगों से अदमन गुजारिश है और लोगों ने आना चाहिए। हमारा नेता का हमेशा ये सोचना, शक्ति प्रदर्शन का जो आप बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है।